गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 2.8। बहुत ही सिंपल सम है। तो पहला पार्ट है, इसमें क्या करना है, फिल इन ब्लैंक्स। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ ईएक्स 2.8। ए पार्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखो पहला है इसका सम ए पार्ट का 13,450 डिवाइड 1। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर है वही आंसर आएगा। 1 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधा वही आंसर लगा देंगे। कितना, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसका सेकंड है 98,765 डिवाइड 98,765। जो नंबर दी गई है उसको अगर हम उसी से डिवाइड करते हैं, उसी नंबर से, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 1। डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाती है आंसर। अगर उस जिस जो नंबर दी हुई है उस नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे और देखो इसी का कोई, यहां ये फिल इन ब्लैंक्स भरना था, इसमें इसके नीचे लाइन लगा देनी है आपने। 295 = 0। अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 0। तो यहां जो खाली जगह है यहां क्या लिखना है आपने, 0। अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो भी आंसर 0, अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर हमारा क्या बनेगा, 0। इसका सेकंड पार्ट, ऊपर हमें नंबर दी हुई है, नंबर क्वेटियट और रिमाइंडर REM। क्वेटियट क्या था, आंसर, कोई नंबर दी है उसको हमने डिवाइड करना है, जो आंसर आता है वो आपने यहां लिखना है और जो रिमाइंडर बच गया वो रिमाइंडर के नीचे लिखना है। तो फर्स्ट है इसका 8,164 डिवाइड 10। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 में कितनी जीरो है, 1, तो लास्ट का 1 डिजिट ही इसका रिमाइंडर बचेगा और जो बाकी डिजिट रह गए वो आंसर आएंगे। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 816 और रिमाइंडर के नीचे क्या लिखना है, 4। जैसे नेक्स्ट है 18,275, इसको कितने से डिवाइड करना है, 100 से, 100 में कितनी जीरो है, 2, तो लास्ट के वंस और टेंस जो डिजिट है वो तो रिमाइंडर और जो आगे के जो डिजिट रहेंगे 100,000 और 10,000 के वो हमारा आंसर बनेगा, तो रिमाइंडर आएगा 75। और अगर इसको कोई नंबर है उसको 1000 से डिवाइड करना है, 6,12,345, इसको 1000 से डिवाइड करना है तो लास्ट के जो 3 डिजिट बच है वो तो रिमाइंडर होगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है तो लास्ट के 3 डिजिट है वो क्या होगा, रिमाइंडर, और 3 डिजिट के छोड़कर आगे के जो भी डिजिट बचेंगे वो क्या होगा, आंसर। इसको वैसे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है इसमें 0 कितनी लगी हुई है। अगर 10 है, 10 से कर रहे हैं तो 10 होगी, तो 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट रिमाइंडर बचेगा। यहां 100 से कर रहे हैं तो 100 में 20 है तो लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर बचेंगे और बाकी जो रहेंगे वो आंसर होंगे। अब यहां 1000 से कर रहे हैं तो 1000 में 30 है, 30 है तो लास्ट के 3 डिजिट 345 यानी 345 वो क्या होंगे, रिमाइंडर, और बाकी जो डिजिट रहेंगे वो क्या होंगे, आंसर। तो ये इसके 6 है, आपने इसके पार्ट सारे करने हैं।
नेक्स्ट सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या दिया है, फाइंड ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 गिव्स द क्वोटिएंट 22 एंड रिमाइंडर 14। तो हमें जो चीज दी है पहले तो हम वो लिखेंगे क्या क्या दिया है हमें। सी का फर्स्ट डिवाइजर 35 से डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्वोटिएंट यानी आंसर कितना आता है 22, और रिमाइंडर कितना बचता है 14, और हमें निकालना क्या है डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या होता है, क्वोटिएंट मल्टीपल डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वांटिटी कितना हमारा 22 मल्टीपल 35 प्लस 14, तो इनकी आपने मल्टीपल करनी है, दोनों की प्लस उसके अंदर 14 करना है, तो इनकी मल्टीपल आएगी 770 प्लस 14 और आंसर बनेगा हमारा 784। अब आपको मैं बता देता हूं कि कौन सा डिवाइजर होता है, कौन सा क्वांटिटी होता है, कौन सा रिमाइंडर होता है, कौन सा डिवाइडेंड होता है, ठीक है। जैसे हम इस तरह डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो यहां जो नंबर लिखी जाती है वो डिवाइडेंड होती है, यहां जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जो आंसर आता है हमारा उसको क्या कहते हैं हमें, क्वोटिएंट। और सबसे लास्ट में जो बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर हमारा 35 है, 28 है हमारा 22 और रिमाइंडर है 14। निकालना क्या है डिवाइडेंड, डिवाइडेंड निकालने के लिए 28 मल्टीपल डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो 22 मल्टीपल 35 प्लस 14, तो इनकी मल्टीपल कर दी 770 प्लस 14, तो 770 के अंदर 14 ऐड कर दिया कितना आ गया 784। अब ये डिवाइडेंड जिसको हमने डिवाइड किया करते हैं उसको डिवाइडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जो आंसर आ जाता है उसको क्या कहते हैं क्वोटिएंट, और जो लास्ट में नीचे बच जाता है उसको क्या कहते हैं रिमाइंडर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसी का सी का सेकंड सम, सी पार्ट का सेकंड क्या है, 3699 when divided by a certain number gives 231 as the quotient and 3 as the remainder, find the divisor। क्या डिवाइडेंड दिया है हमें, रिमाइंडर दिया है, डिवाइजर निकालना है हमें, भी डिवाइजर कितना आएगा और क्वोटिएंट दिया है, जो दिया है हमें वो लिखो पहले तो। डिवाइडेंड 3699, क्वोटिएंट कितना 231, रिमाइंडर 3, यानी हमें निकालना है डिवाइजर निकालना है जिसको हम, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो निकालना है वो कितना आएगा, तो आपने इसको क्वोटिएंट से डिवाइड कर देना है, तो 3699 को 231 से डिवाइड करना है, पहले वन पर जाएगा 231 8 3 1 और 9 ऊपर से लेकर है। अब देखो हमें 231 की कोई टेबल नहीं आती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 की टेबल पढ़ेंगे, इधर 1 और 3 से 13 बन रहा है, 2 की टेबल में 13 नहीं आता, 13 से कम क्या आता है 16 आता है, सॉरी 13 से कम क्या आता है 12 आता है, तो 2 की टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है 6 नंबर पर आता है, तो इसको हम 6 से मल्टीपल करके यहां इसके नीचे लगा देंगे, 6 18 का 8 12 और 1 13 और 3 हमारा रिमाइंडर। तो हमें जो चीज चाहिए डिवाइजर वो हमारा
16 आंसर आ गया। जो जो देखो रिमाइंडर भी हमारा 3 बच गया, 3 इसमें दिए हैं, डिवाइडेंड और क्वांटिटेट ये है ही दोनों, ठीक है। तो इसके अंदर पहले आपने डिवाइडेंड 3699, क्वांटिटेट 231, रिमाइंडर 3, ठीक है। अब डिवाइजर निकालना है, तो डिवाइजर निकालने के लिए डिवाइडेंड को क्वांटिटेट से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेंड को क्वांटिटेट से डिवाइड करते हैं तो पहले 1 पर जाएगा, फिर 6 पर जाएगा और रिमाइंडर हमारा 3 बच जाएगा। तो जो आंसर है यानी डिवाइजर है वो कितनी आएगी, 16 आएगा। अगर अब आपने इसको चेक करना है भी आपका क्वांटिटेट 231 आ रहा है कि, तो आपने 3699 को 16 से डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। अगर आपका ये 231 आ जाए और रिमाइंडर है जो 3 बच जाए तो आपका सम है जो राइट होगा। तो ये एक्सरसाइज है जो आपकी कंप्लीट है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपने 17 की टेबल लिखनी है, टेबल 17 राइट एंड लर्न, जैसे आपको डेली बताया जाता है, एक पेज पर 3 बार ये टेबल आनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।